दिस इज डॉक्टर यासीन, आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो मेरे MSBD के जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने इसके पहले आपको बताया था MSBD के जो एग्जाम्स कैसे होते थे, हॉल टिकट्स क्या थे, किस तरह से डेट्स थे, ऐसी सारी खबरों के लिए जो है मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में डाल दिया था। अब जो है आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्ज़ाम्स होने वाली है, क्या उसकी जो है पूरी तरीके से डिटेल मैं आपको एग्जाम में दूंगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए इसको, आपकी सारी डिटेल्स जो है ख़त्म, पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएंगी और आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं। हेलो लर्नर्स, जो एन अकेडमी की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बच्चे CSIR नेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से वो पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। लाइफ साइंसेस के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वेल एडुकेटर्स, इतने सारे बेहतरीन किस्म के टीचर्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। यहाँ पर लाइफ साइंसेस के लिए स्टार्ट हो रहा है 1 February। जी हाँ, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन डन टुडे बिफोर द प्राइस हाइक। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे आपको ऑफर के लिए आज स्पेशल कोड है, मंडे के दिन आप अगर सब्सक्राइब करते हैं मेरे कोड के साथ, जो कि कोड है YASEEN10, ये आप कोड डालेंगे तो आपको 10% जो है इसमें ऑफ मिलेगा, जो भी आपकी फीस होगी उसमें से। तो यहां पे आइकॉन इस सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने यहां पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूं। आपने लाइफ साइंसेस के लिए यहां पे 1 February से स्टार्ट होने वाला है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप प्लान कर रहे हैं टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए लाइफ साइंसेस के अंदर, तो आपको CSIR UGC नेट कंपलसरी है और आपको वो नेट कंपलसरी होने के बाद आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो भूलिएगा नहीं, मेरा कोड YASEEN10 कोड को अप्लाई कीजिए, ऑफर ग्रैब कीजिए, लेट्स क्रैक इट। तो मेरे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि MSBT की जो एग्ज़ाम सिस्टम थी, यहाँ पे आपके सबके समझ में आ गया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कॉलेज में जाके देना है या घर से देना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपके लिए बहुत खुशी की खबर ये है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है घर बैठे ही देना है प्रॉक्टर्ड मेथड के साथ। यहाँ पे आपको कोई भी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है तो आप एग्ज़ाम्स ऑनलाइन घर बैठे दे सकते हैं। जिस बच्चों के पास नेटवर्क इशूज़ है, जिस बच्चों के पास नेटवर्क इशूज़, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, वो अपने कोई भी जितने भी डिप्लोमा के जितने भी कॉलेजेस है अपने आसपास के, वहाँ जाके एग्जामिनेशन सेंटर में पहले अप्लाई करना है, फिर एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको अप्रोच करना है। तो नियर बाय कॉलेजेस में आप लोग जाके भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव दी फैसिलिटी फॉर इंटरनेट एंड ऑल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चलते आ रहा है कि AICT अप्रूव्ड के जितने भी जो है MSBT जो तंत्र शिक्षण एग्जाम्स जो चल रहे थे, उसके सिलेबस के फैक्टर से क्या होगा, उसके एग्जामिनेशन की मार्किंग सिस्टम कैसी होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मार्किंग सिस्टम सिंपल है, यहाँ पे 40 मार्क्स के को एग्जाम्स होगा, वहाँ पे MCQs पैटर्न आपको फॉलो करना है, 40 में से 30 MCQs आपको सॉल्व करना है और आप एग्जाम्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है MSBT के रिलेटेड थी। अब यहाँ पे SOPs किस तरह से आपको फॉलो करना है, SOPs जो है एग्जाम्स के चलते, जहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉलो करना है, जहाँ आप अगर कॉलेजेस में जा रहे हैं, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको कॉलेजेस में एंटर करने के लिए या तो फिर एग्जामिनेशन ऑफिस में आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्यूरी से आपको अगर जाना है तो उसको वो है आपको SOPs फॉलो करके जाना है। ऑफलाइन मोड एग्जाम्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड ही आपको एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो ऐसी सारी खबरों के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस तरह का तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सारे कमेंट्स के आंसर जितने हो सके मैं देने की कोशिश करूंगा। और आपको ऐसी ही खबरों के लिए अगर अपडेट रहना है, नोटिफाई होना है, तो आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।